जब आए थे उस समय सोहेल आपको क्या क्या परेशानी हो रही थी? मेरे को उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था, 16.9 था, सांस लेने में दिक्कत थी, खाना पीना नहीं जा रहा था, टॉयलेट में भी नहीं, टॉयलेट एम्प्टी, स्वेलिंग भी थी, ये प्रॉब्लम थी मेरे को। डायलिसिस चल रहा था उस टाइम? नहीं, उस टाइम डायलिसिस हुआ, ट्रांसप्लांट के बाद मेरे को डायलिसिस नहीं हुआ। डायलिसिस कराया था उस टाइम, एक दो बार बीच में हुआ था। मेरा डायलिसिस मैं ट्रांसप्लांट से पहले हुआ है, छह महीने। ट्रांसप्लांट कब हुआ था? ट्रांसप्लांट हुआ था मेरा सर 3 अप्रैल 2016। उसके बाद क्रिएटिनिन दोबारा बहुत तेज बढ़ गया था। क्रिएटिनिन मेरा अभी क्या नाम है उसका, जून से क्रिएटिनिन बढ़ा 2019 से, जून से सीधे आपके यहाँ आए, आपने एक महीने की आपसे दवा ली तो एक महीने में 8 उतरा एकदम, हमें बड़ी खुशी इस बात की डॉक्टर साहब एकदम 8 उतरा। फिर आपने कहा कि नहीं बच्ची ने परहेज भी किया, इस वजह से भी फायदा हुआ। अब इस टाइम ढाई रह गया है, मतलब दूसरे महीने में 5 उतरा एकदम, अब इस टाइम 2.5 रह गया है। केवल और मात्र 2 महीने के अंदर? जी जी, केवल 2 महीने के अंदर क्रिएटिनिन 14 से 2 हो गया। जी, हैरान मत होइए, चौके मत, रिपोर्ट भी दिखाऊंगा कैसे हो। जी, चमत्कार से कम नहीं है ये? उस टाइम पे मेरे को वीकनेस बहुत थी, घुटनों में हड्डी में आवाज आती थी छटपट की, बाल भी जरा ऐसे हो रहे थे, और चलने में प्रॉब्लम था, ब्लड लेवल भी डाउन हो गया था। और जब से मैं आपसे मिला हूँ तो मेरे अंदर ब्लड भी मर रहा है अच्छी तरीके से, मैं कुल मिलाकर सेटिस्फाइड हूँ मैं आपसे। बहुत अच्छा रिजल्ट आया जी, 16.73 क्रिएटिनिन हो गया था जी। QRG हेल्थ सिटी से इन्होंने टेस्ट कराए, क्रिएटिनिन 16 तक पहुँच गया था, डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया जी। 16 से घटके क्रिएटिनिन हुआ, 8 जून 2019 16 क्रिएटिनिन था, 16 से घटके हुआ 8। यूरिया हुआ 124, लाल पैच से कराए हैं जी। बाद एक और टेस्ट इन्होंने कराए हैं लाल पैच से, और दोनों में आप देखेंगे फर्क, 8 से हो गया 2.9, 124 से हो गया, यूरिया नॉर्मल के रेंज में आ गया। 9 अगस्त 2019 की ये रिपोर्ट है, यूरिया नॉर्मल हो चुका है, क्रिएटिनिन भी काफी हद तक रिड्यूस हुआ है। उससे पहले क्रिएटिनिन जो था वो 16 की रेंज में पहुंच गया था, 16 से लेके क्रिएटिनिन जो है वो अभी लेटेस्ट 2.9 हो चुका है जी, और नॉर्मल है यूरिया, और ये हुआ बगैर डायलिसिस के जी, बगैर ट्रांसप्लांट जी, आपकी अपनी जो किडनीज है उसी के साथ हुआ जी। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको है, क्या मैसेज देना चाहेंगे किडनी के मरीजों को? यही कहना चाहेंगे साहब, मतलब आप लोग सुनकर आए, इलाज कराए, वो फायदा हो रहा है पूरे तरीके से, आप इधर उधर में भटके हैं, डॉक्टर साहब से मिले आके, अगर तो 2 महीने के अंदर इतना फायदा हुआ है तो हम तो उसी से ही वो बहुत है, मतलब हमने तो ये सोच दिया था हमारा बच्चा भी हाथ से चला जाएगा इस तरीके से, अगर फंसे रहते तो, अगर हमने बहुत आराम है तो चाहे जो कुछ भी इलाज है इसी नेचुरल में, आयुर्वेदिक में ही है, एलोपैथिक में नहीं है, बस आपको आना है तो आयुर्वेदिक आओ, डॉक्टर पुनीत धवन से सर से ही मिले, बस। बहुत अच्छा रिजल्ट आया सोहेल, स्टॉप किडनी डायलिसिस।